बसमिल्ल रनिम्ला मोहम्मद वाला मोहम्मद शाजनजानी का शान जनजानी लॉटबली से मैं आपसे मुखातिब हूँ आपसे बातल था कि मैं पाँच दिन बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस आपसे लाइव आपकी खिदमत में हाजिर होगी आपकी खिदमत करूँगा और आज इस पाँचवें दिन का आखिरी दिन है चौबीस फरवरी है हफ्ते का दिन है और बशरत दिल की मैं कल लाहौर वापस चला जाऊँगा क्योंकि तो मेरा विजिट यहाँ पाँच दिन होता है लाहौल पंडी और क्या ही खूब बात है कि कल एतवार भी होगी और उसके बाद जनाब रात को जो दिन गुजर के जो रात आएगी ये शब बारत है खुशकस्मत लोग हैं खुदा तला का बहुत ही लुफ्फ एहसान है उसका करम है उसकी शुक्र है कि हमें परवरदिगार ये शहादत देगा कि हमें शब बारात की रात मिलेगी इबादत के लिए बारात बुराई दूर होने का गुनाह गुनाहों से मफरत का ये वक्त है और खुशकस्मत है लोग जो रात भर जाके इबादत करेंगे आप इसमें अस्तवाल असरत से पढ़ें जरूर पढ़ें और इसके एक खसूस अमाल किए जाते हैं आप के जो मजहबी किताबें उस पर या नेट पर जाएँ तो आपको उसके इबादत के आसान तरीक़ाकार भी बन देंगे अल्लाह ताली आसानियाँ अदा करते हैं और आसानियाँ बाँटता है और दुआएँ कबूल करता है और दुआएँ यक़ीन अल्लाह कबूल करता है और ये जो बड़ी रात है परवरदिगार ख़ुद कहता है कि मुझे मांगो है को मांगने वाला और परवरदिगार गुनाहगारों के गुनाह माफ़ करता है अल्लाह पाक हम सब के ख़ाय माफ़ करे आसानियाँ अदा करे सब के रिस्क में कुशादगी अदगियाँ करे और हमें इस दिन रोज़ा रखने की भी अल्लाह तला तोफ़ी अदा करे ये सलामकुम हमारे साथ कौन है लाइन पे जी जी मैं मिसेस इनाम हूँ। जी मेरी बहन क्या मालूम करना चाहती हैं जी मुझे ना अपने भाई के लिए पूछना है ये भाई का नाम क्या है जी बोले भाई का नाम क्या है अब्दुल वाजिद अच्छा जी क्या डेट ऑफ बर्थ है अब्दुल वाजिद की 15 अक्टूबर 1998 अक्टूबर की 15 जी जी 1998 और टाइम पता है इनका जी सुबह दस बजे के किस की इनकी? की। है लाहौर अच्छा जी। ठीक बहन इनका जायचा बन गया भाई हमारे पच्चीस छब्बीस साल में चल रहे इनकी हाइट छोटी है साढ़े पांच फुट है नहीं। नहीं। हाँ दी, हाँ दी। अच्छा, क्या मालूम कर रहे हैं इनके लिए बोले वो किसी के साथ काम कर रहे थे

शादी भी जब की जाए तो बड़ी सोच समझ के की जाए सदका लेके किया जाए और सदका भी जनाब वो गाय का सदका है सूरा बकरा में कुरान पाक ने जिक्र किया है इनका सदका है शादी अगर एक इनकी करनी है तो ये मामला इनके इतने अच्छे दिखाई नहीं देते अब इनकी रेमडीज मैं आपको बताता हूँ कि ये दो बुटियाँ रोज़ाना शक्कर की या चीनी की अपने हाथ में भर के हशरासर चीटों को डाला करें और एक जर्द पुखराज जो है या जर्द की अपने हाथ में लेके पहने और सूर्य अबल दुआ की थे आल सोफा युति का, का था तीन सौ तेरह दफ़ा बल अखिलोशी पढ़ के सुबह की लिहाज के बाद पढ़ना ममूल बना लें तो परवर निगार सदका मोहम्मद वाल मोहम्मद के सदके में ख़ैर अदा करेगा और आप माए अभी अब बल्कि बहन माँ जैसी होती है आप भी दुआ करें उनके लिए जी सलामैक कौन है हमारे सदस्य पे सर, बात कर रहा हूँ अच्छा जी फरमाए क्या आपको मालूम डेट ऑफ बर्थ की आपकी चार दिसंबर 1978 सर दिसंबर की चार 19 1978 78 टाइम याद है आपको अपना जी 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 सर रात को नौ बजे सर और नौ की पधारिश है जी जी सर आप कल परसों भी लाइन पे थे जी जी सर जी जी सर अच्छा जी क्या नाम है आपका जनार सर रियाज सेन अच्छा जी रियाज

आ, जितने भी कैलेंडर रायज हैं फीस जुमाना और इस्लामी कैलेंडर भी है उसमें जनाब बारह ही महीने आ जाते हैं ईस्वी तौर पर भी, भी बारह आ जाते हैं और परवरदिगार कसम खाते हैं कुरान पाक में सोलह बरूज है इस्लाम आबाद में बरूज मुझे उस आसमान की कसम है जिसमें मैंने भुज बनाया तो ये जो बारह मंत्रुज है इसमें सितारे गुमरे होते हैं हमारी स्ट्रॉलोजी समुद्र की तरह गहरी अगर इसको साझा करें तो बारह की गिनती तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि आपके हाथ में जो घड़ीबंदी होती है इसमें भी जनाब बारह ही घंटे होते हैं दिन रात के यूं बारह मन तक बरूज है और हमारे हफ्ते के सात दिन हैं तो सात ही सितारे हैं आप समझ लें तो ये सात सितारे बारह का सजूज में बहुमे ख़ुदा गर्दिश कर रहे होते हैं इनकी गर्दश जो है ये कुदरती तौर पर है और कुदरत का एक अपना निज़ाम है सितारे सच बोलते हैं और बवक़े पदाइश इंसान के सितारे अपने इस छोड़ जाते हैं सारी जिंदगी हम उनके नज़मत से गुजरते हैं तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बड़ी आसानी से माजी हाल मस्कबिल के बारे में जान सकता है अच्छे सितारे होते इंसान ज़िंदगी में एंजॉय करते हैं नार्मल हो तो फिर जनाब जिन्द नॉर्मल जिंदगी गुजरती है और अगर सितारे ख़राब हों तो फिर तो जनाब आदमी दाने दाने को मोहताज हो जाता है और शाह गदा हो जाता है और अल्लाह पाकिस्तानिया करें जी सलाक कर, हमारे साथ कौन है लाइन पे जी जी बोले क्या नाम है आपका जी मास बर्थ है आपकी आप इंडिया से बात कर रही हैं? जी सर आप इंडिया से बात कर रही हैं? देख सर वो कुछ स्टार से अच्छा बहुत अच्छा सर तो क्या मासूमा क्या बताया आपने मुझे बताएं डेट ऑफ बर्थ आपने 25 12 22 1922 अच्छा टाइम ऑफ बर्थ याद है मासूमा आपको अपना और शहर कौन सा आपका कोयटा है कोईटा? जी जी बन गया सामने। आपने 25 दिसंबर पच्चीस दिसंबर उन्नीस सौ बयासी रात ग्यारह बजे कोयटा की पाइश है आपकी और ये जनाब मुझे इस जायचे को दोबारा बनाना पड़ेगा ये कंप्यूटर की कमांड से ये कुछ आगे पीछे हो गया दिसंबर की आपने बताई थी 25 25 और चीज़। 1900 1900 क्या था आपका 1985 85 ठीक है और रात 11:00 बजे कोई का बस मेरा एक हाथ लगने से पूरा आपका सारा जायजा डिलीट हो, हो गया अच्छा मुझे ये बताएं अभी एज आपकी फोर्टी वन हो गई आपकी हाइट लंबी है मुझे बताएं पांच फुट छाइव छाइव और छः के, के दरम्यान है।, है तो फिर ये रात आपकी है ग्यारह बजे की पैदाइश नहीं है आपकी पैदाश कोई बारह बजने से पहले पहले की पैदाइश है आपकी तो क्या करें इसको जी बोले इसको इग्नोर करके से मैं बता दूं आप कुछ अंदर लगन से बताएं क्या मालूम करना चाहती हैं है, है तो देखिए आप के आप जिंदगी के टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है और 2024 बड़ा अहम है आपके हालात मैक्म मार्च दो हजार पच्चीस तक इनशाला बेहतर हो जाएंगे अपने हाथ में एक ओपन सफेद पुखराज अल्लाह तो हीरा लेके पहने और हर रोज दो मुठियाँ भर के और सीठों को याद सदकर डाला करें पाँचवें कलमे की आयता सफरल रबी बिन को जमीन बतूब आई तीन सौ तेल दफ़ा बना कर ये आला जला मरतान पढ़ के बेहतर के ताजत या फजर के बाद या इशा के बाद वक्त आपको आसान लगे पढ़ के आप दुआ करें अल्लाह पाकर आसानी अदा करेगा मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पा खैर अदा करे और कल का दिन छोड़ के जो रात आएगी ये शब बारत है ये किस्मत वालों को रात मिलती है परवरदिगार खुद पूछ रहा होता कह रहा बना दी रिश्ते देते हैं कि है कोई रिस्क मांगने वाला अल्लाह ताला रिस्क मांग रहा होता है और एक ऑर्डर जिन जिन लोगों ने आना है जिन लोगों ने जाना है कुदरत का एक अपना निज़ाम है और कुदरत के अरब खरब हाफ रिश्ते उसके हुक्म की तामील में लगे होते हैं जिस तरह सूरज चां फारे गर्दिश कर रहे हैं और अपने मोन वक्त पे सूरज निकलता है अपने मोहन वक्त पे गुरु होता है और अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम देखिए कितना जबरदस्त है और सितारे सच बोलते हैं और बस अब उन्हीं को देख के कोशिश करते हैं कि आपकी خدمت करें जी अस्सलाम कौन है हमारे साथ लाइन पे जी जी वालेकुम सलाम मेरा नाम अजरा जबी है जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप मैं कराची से अच्छा जी अजरा क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी मेरे 1965 और 16 दिसंबर, दिसंबर दिसंबर की 16 बोला 1900 क्या बताया आपने उन्नीस सौ जी जी सौ पैंसठ टाइम क्या था आपका बर्थ का रात के दस बजे हैदराबाद हैदराबाद जी असल बहन आपका जाहिर शाह बन गया मेरे सामने जी आपकी हाइट पांच फुट दो तीन इंच है जी जी अच्छा जी, जी बताए शादी के अलावा क्या पूछना आपने अठावन साल आपकी उम्र होगी मंगल योग लगा हुआ आपका अच्छा बोलें क्या पूछना आपने जी 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 अच्छा अग, मुझे जो जो है मेरा गला है ना उसमें कुछ टाइम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाल जो है फंसे हुए है यानी कि और जो मेरा खाना जब मैं खाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अटका रहा है अपने वाले को

के सौंप पर या आबज जमजमिले पानी पे या सादे पानी पे दम करके गूँढ गूँड करके ये नीम गर्म पानी पिए अपनी पसंद के मुताबिक चाहें तो उसमें आयल कलवंजी का आयल या जैतून का आयल अभी मिला सकती हैं और रात को दूध में एक चुटकी जिला आप हल्दी मिला के पिए और किसी अच्छे डॉक्टर से भी जो इंडियन माहिर होते हैं डॉक्टर होते हैं उन्हें भी ज़रूर दिखाएं अल्लाह पाकिस्तान ता करेगा और एक आप अपना सदका दें व्हाइट कपड़े का बतौर कफन सदका यहाँ पे इजी वाले सिलानी वाले होते हैं उनको दें अल्लाह पाक आसानी عطا करें मेरी ढेर दुआएं आपके लिए अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ कौन है लाइन पे जी वालेकुम अस्सलाम सर मोहम्मद इश्फाक बात कर रहा हूं इश्फाक कहां से बात कर रहे हैं और क्या डाटा पर से आपकी 18 जुलाई 1999 में सर मुजफ्फरगढ़ से जुलाई की 18 19 1900 क्या आपका बोले साढ़े आठ बजे रात के सर और मुजफ्फरगढ़ की पैदाश है आपकी जी सर ठीक है क्या मालूम करना चाहते हैं आप सर कुछ स्टोन बता रहे हैं जो वेल्थ के लिए फाइनेंशियल इशू बहुत रहते हैं कोई अच्छा सा जो जी मैं बताता हूँ आपको जनाब जी सर जो बेहतरीन आपकी हाइट साढ़े फुट है पाँच फुट सर अच्छा ठीक है आप अपने हाथ में एक अच्छा सा सफायर नीलम लेके कर पहने आठ कैरट का यह उससे ज्यादा भी पहन सकते हैं नीलम चूंकि अच्छी क्वालिटी का महंगा मिलता है और ये बड़ा सेंसिटिव पत्थर है मैं बड़े कम बहन भाइयों को रिकमेंड करता हूँ ये जनाब शाह गदा वाला पत्थर है लेकिन आपका ये लकी जेम स्टोन है अपने हाथ में लेके कर पहने और जब पहनें तो दो नफल आप शुक्राले के अदा करके दुआ करके पहने अल्लाह और से दुआ करें कि तेरा नूर इसमें जज्ब के मेरे आला नूर को ताक़त दे और सदक़ा ये है कि आप हर हफ्ते स्या रंग की चीज़ों का सदका दें आप सया रंग की चीज़ों में पुराने जमाने में काले महाश देते थे लेकिन अभी चाय की पत्ती का सदका दे सकते हैं या फिर जु बलंग बाबे हैं उनकी कोई खदमत करके उन्हें दुआ के लिए कहें ये छोटे छोटे सदक करने से रेमडीज करने से बेहतरी होगी एक और आपका सदका यह है कि आप मस्जिद के जो मौज़न है उन्हें जुमरत के दिन उनकी खिदमत करें और उन्हें कहें कि नमाज फजर के बाद आप दुआ करें ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म के दो सद करे अल्लाह खैर का अदा कर देगा और रिस्क बढ़ जाएगा और अल्लाह ताला का नाम है यार रजा यार बाई यार इसकी सुबह की दिमाग के बाद तस्वीर किया करें तीन सौ तेरह दफा और दुआ किया करें अल्लाह आप खेर इसको आदा करेगा और जो बड़ी रात आ रही है जनाब कल राहत आ जाएगी इन शुआ भी करें सैयद दादा भी दुआ करते हैं असल हमारे साथ कौन है लाइन पे जी हेलो अलैक् मेरा नाम सैयद मोहम्मद अबार है जी सैयद साहब आपकी क्या डेट ऑफ बोल रहे मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 27 मार्च 1997 और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है सुबह आठ बज के फोर्टी मिनट और मैं कराची में मतलब पैदा हुआ हूँ अच्छा जी टाइम भी आपने क्या बताया अपना बस का टाइम का है सर आठ बज फोर्टी थ्री मिनट ये सुबह के है, शाम के है? सुबह के सर जी आठ मिनट और कराची जी जी तो सर सवाल मेरा ये था कि मेरे अभी थोड़े से फाइनेंशियली हालात जो हैं वो थोड़े तो डिस्टर्ब हैं वो कब तक सही होंगे और उसके लिए आप बता दीजिएगा मतलब क्या बेहतर रहेगी फाइनेंशियली हालात के लिए और मेरे जो थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए क्या और क्या वजीफा है जो मेरे लिए बेहतर होगा कौन सा ऐसा स्टोन है जो मैं अभी ठीक है मुझे बताया कि आपकी हाइट पांच फुट दस इंच है लंबी हाइट मेरी हाइट पांच फुट मेरी तकरीबन आठ

जोरा बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है और मुकाबल जनाब राहू है तो ये एक जायचा ऐसा है कि इसकी रेमडीज़ अजब ज़रूरी है इसकी रेमडीज़ के लिए यह है कि आप एक नीलम लेके कर पहने बड़ा सेंसिटिव सा पत्थर है उसके बाद एक और पत्थर है जिसे हम कहेंगे ओपल ओपल और नीलम दो पत्थर लेके या सुबह पखराज लेके कर पहने अपने हाथ में अल्लाह का जिक्र जो है ये दिलों को भी आराम देता है और रिस्क भी कुछ अदा करता है आपको मैं एक वजीफ़ा बता रहा हूँ तीसरे बारे में सूलभ वाल आ, इसकी कुल ग्यारह याद हैं ये परवरदिगार अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा से बलासम मुखातिब है तर्जमा इसका कम अज़ कम पाँच दफ़ा सुने एक एक आयत तो लुत्फ़ उठाएँ इससे सुबह चाश्त की नमाज के बाद दस ग्यारह दफ़ा पढ़ें अबल आखिर ग्यारह ग्यारह बरसा तुशी पढ़ कर दरमियान में जब पाँचवीं आयत आए वन सोफा युति का रबों का फतरजा इसे इक्कीस दफ़ा तकरार करें और ये वजीफ़ा सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें आप क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ मसला होता है तो मरीज दवाई खाता रहता है आप पढ़ते रहें और किसी मस्जिद के मौज़न से दोस्ती करें और उसकी को मंदतन समाजद करके उसको अधिया दिया करें और हर जो है रात अल्लाह आपको तोफीक दे जो भी है और उसे कहा करें कि अदाने फजर के बाद आप दुआ करेगी अमल वक्त कबूल दुआ को होते ही अमल करें अल्लाह खैर कर देगा मेरी डेढ़ दुआएँ आपके लिए और ये शबरात आ रही है इसमें भी दुआएं करें तोल अल्लाह के किसी वक्त भी कर्म कर देता है असल जी अल्लाम कौन है हमारे साथ लाइन पे

शेद शेद डिस्ट्रिक्ट है। जी जी बिल्कुल नुआबशाह से ही ज़्यादा जानते हैं बेनज़ीर नाम चेंज लेकिन किया लेकिन अभी तक ये मारूफ नहीं हुआ नाम अच्छा जी बारह अक्टूबर उन्नीस सौ सतानवे रात सवा नौ बजे नुआबशाह की पैदाइश आपकी ये मुझे बताएं कि आप पौने पौने नौ बजे की है जी जी 845. अच्छा ठीक है मुझे ये बताएं कि आपकी हाइट छोटी है साढ़े पाँच फुट है सर है अच्छा चलो बताएं ठीक है होगी तो हो ग्यारह जी फिर ये जो आपने टाइम बताया ना ये आपका टाइम नहीं है इसको और चांद को मरकज में ये टाइम फिर किसी वे चांद आपका बुरजे दलब में और आजकल सितारा जोल भी आया क्या मालूम करना चाहते हैं बोले आप सर तालीम के हवाले से बहुत मतलब जैसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा मुश्किल है जी तो जी ठीक है भी मैं मैं भी बताता हूँ चंद्रमा के ना आपके जायचे में जो मदरसे का मालिक है सितारा जोरा नसीब का भी ये जायचे में ख़राब है बवाल का है और चंद्रमा से मरकरी भी आपके आठवें घर में आ गया है शम्स भी आ गया है तो इसकी आप रेमडीज़ ये करें कि अपने हाथ में एक जर्द उखराज लेके पहने क्योंकि मुश्री भी आपके जायचे के बाद में घर चला गया है एक तो ये रेमडीज़ करें और एक आयत है छोटी सी कुरान पाक की रबनी है इसको एक सौ दस दफ़ा पढ़ा करें और सूलत की एक और आयत है काला रबाल सदरी अबनी की दुआ है इसे रात को शहद से लिखा करें आ, वाइट प्लेट पर और सुबह इसके गोल के पिया पानी पिया करें और तालब इलम जो हैं उनकी कोई ना कोई बुध के दिन खिदत किया करें चाहे उन्हें एक कापी पेंसिल किताब ही ले कर दे दें अल्लाह आपको तोफ़ी दे दें उनकी किसी बच्चे की स्कूल की फीस भी अडाप्ट कर सकते हैं ये पढ़ने लिखने के आम से मसाइल हैं अक्सर वाले माएँ बड़ी फिक्रमंद होती हैं हमारे खुद अपने घर में माएँ बच्चों के पीछे लगी होती हैं बच्चे बच्चों के मूड्स होते हैं तो बच्चों की फ्रीक्वेंसी के मुताबक माएँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती हैं एक्टर कह लें और बच्चे की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जनाब उसे ज़ुबान भी तोतली में बात कर रही होती है उसको समझा रही होती है उन बच्चों की माँ को यह आए तक अगर लिख के पिलाए ना

जी 2020 तो अच्छा जी टाइम क्या इस अच्छा अच्छा शे है इसका बच्चे का साल का होगा अब इसका सर से मगरिब के दरमियान बहन ऐसे दी घड़ी का टाइम बताएं बदला अच्छा चलिए इसको जी जी 6 बजे 6 बजे अच्छा जी 6 बजे शहर कौन सा है इसका हां जी 6 शहर है हासिलपुर हासिलपुर ठीक है जी सर ये ना रोता बहुत है जिद बहुत ज्यादा करता है पीला वजह रोता है सारा दिन अब इसके जायचे में दो सितारे बड़े वीक है एक तो शम्स काले का मालिक होकर सातवें घर में वबाल का है और सातवें घर का और छठे घर का मालिक सितारा जोहल जो है आ, ये छठे घर में बीमारी बि का घर में चला गया जोहल और शम्स के सदकार थे एक तो आप इसे बल्कि मरकरी भी इसका वीक है शम्स सोलह दर्जे पे है और अतारत जो है ये नौ दर्जे पे है तो इसके गले में एक चूँकि छोटा बच्चा है तो अभी आप कोई महंगा पत्थर नहीं पहनाएं इसका पत्थर है लकी लकीन आप इसे एक सब्ज हकीक लेके चांदी के लॉकेट में इसके गले में पेल, पेला दें और हर रोज इसके सर से आप एक या दो अंडे लेके इसके सर से वारें एंटी क्लॉक वाइज जैसे कावे के चक्कर लग रहे होते हैं और प्याले में घर की छत पे रखते हैं एक बहुत ही मुकम्मल किस्म का यह सदका है सत्तर दफ़ा सोलह फाते अब आखिर ग्यारह ज्यादा मरत द्रूसी पढ़ के इसे रोजाना इस पर पढ़ के दम करें दम शुद्ध पानी पिलाएं दुआ करें अल्लाह पाक खैर अता कर देगा और कल इतवार है शब को जनाब बरात शुरू हो जाएगी आ, क्या ही खुशकस्मत है हम सब लोग कि इस रात को हम पाएंगे इसमें इबादत करें दुआएँ करें रोज़ा रखें और इसी में अगर सोलह फातह पढ़ के दम करें तो इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है आप असगफार पढ़ें द्रोशी पढ़ें पानी एक जस्ट एक टेप रिकॉर्डिंग वाला है इसमें आयात पढ़े दम करके बेटे को पिलाएं अल्लाह पाक खैर अदा करेगा मैं भी आपके बेटे के लिए दुआ करता हूँ सलामकुम जी सलाम वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है ठीक है तो? जी आलमदा जी कौन सब कौन से बात कर रहे हैं जनाब बात कर रहा हूँ सर जलम से जी मुजम्मल आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है बोले जी छब्बीस जून उन्नीस जून की छब्बीस

आप अपनी लंबी हाइट फील करते हैं छोटी फील करते हैं है <coughs> नहीं नहीं चोटी है, चोटी है यार ये जो टाइम आपने बताया ना ये आपने तुक्के से बता दिया टाइम आप ये नहीं है आ, इसे हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कोई पंद्रह मिनट तो फिर आपकी हाइट हो जाएगी ठीक मेरे गले में थोड़ी रही है खराश <coughs> माफी चाहू जी आप बताएं क्या मालूम करना चाहते हैं आप सर मैंने आपसे की बात हुई है मेरी तो मैं गया था सोदिया में तकरीबन पिछले अप्रैल में गया था जी जी तो उधर मैं नौ, नौ महीने मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ तो मैं अब फिर दिसंबर सताइस दिसम्बर को वापस आ गया था कोई कुछ नहीं कमाया कुछ भी नहीं है। जी ठीक है तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं ये पूछना चाहूँ जी जी बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन के समझ ली है आपके एक तो टाइम आपका बस मैंने पंद्रह मिनट आगे किए ताले बुर जाकर है और हर जायच है कि छिया आठ बारह घर ख़राब होते हैं आपके आठवें घर में अतारत है शम्स है और मुश्तरी और मुश्तरी आपके खाना माल का मालिक है तो माली मामलों में और बेरोज़गारी जैसी उतार चढ़ाव यानी मुस्तक यानी रोज़गार का मामला में आसानी असान, नहीं रहती और आप अपने हाथ में एक जर्द पुखराज लेके पहले कोई दस बारह कैरेट का इसके अलावा आप मुतवाजल इसका जर्द अकीक भी पहन सकते हैं किसी मौज़न से दोस्ती करें और उसकी को खदमत करके उससे उसकी मिन्नत करें इल्तजा करें कि सुबह अजान फजर के बाद आपके लिए दुआ करें अव्वल वक्त कहलाता है हर रोज ये वक्त आता है कबूलिए तो दुआ का वक्त तलु शहर से तुलए आफ्ताब तक होता है तो मौज़न चूंकि मस्जिद में अज़ान देता है अल्लाह के घर में देता है और वो वक्त अहन कबूली दुआ का होता है और आप खुद भी इस वक्त बेदार रहें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए तो ताजत खुशब लोगों चाहे दो लक दिया पढ़ें फजर की नमाज पढ़ने के बाद शोला बल दुहा की आयत है पंचनी बन सोफा युति का रबरदा इसे तीन सौ तो तेरह दफ़ा बल अखिल ग्यारह ग्यारह दफा दुरुशी पढ़ के दुआ करें और ये अपनी बड़ी राहत है इसमें तकदीर बदलें और इस पे अरीजे भी डाले जाते हैं इमाम जमाना के हजू ये नेट से मिल जाते हैं इमाम बार गाँव मसाजि से मिल जाते हैं इसी अरीजे को लिखे जाफ़रान से ये जाफरानी कलम से और दरिया झेल में जनाब आप सुबह जाए अजान के वक्त बड़ी रौनक होगी आप दरिया पे लोग आए होते हैं तो इमाम ज़ुमाना के हजू तकदीर बदलने के लिए दुआ करे अल्लाह पाक आपका मुकदर ले करे सैदा भी दुआ करते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे जी जी मिसी जरिए क्या मालूम करना चाहती हैं आप मैंने अपने ना छोटे भाई के बारे में पूछना है भाई का नाम क्या, क्या है जी बोले नाम बताइए अहमद अब्दुल्ला क्या डेट ऑफ बर्थ है अहमद अब्दुल्ला की क्या जनवरी 2003। हजार तीन दो ये कितने बजे पैदा हुआ सर एक दोपहर को जी जी दोपहर में किस शहर में लाहौर में अच्छा इसकी लंबी है माशाल्लाह कोई फुट दस इंच है, जी, जी, जी. अच्छा, क्या करना है इसके लिए के आठवें तो घर में, के के में, में बैठा हुआ है और सातवें घर का जो सितारा वीनस है ये भी आठवें घर में चला गया केतु भी यहाँ पे बैठा हुआ है अब सितारों की असी नशस्त बरखास्त की वजह से ये मसाइल परेशानी है इसके आ रहे हैं तो इसके लिए एक तो जनाब इसके हाथ में एक ओपन लेके कर कोई दस बारह कैरेट का और इसका एक सदका दें बंगल के दिन गाय का सदका दें कुरान पाक में सोलह फातेह के बाद सोलह बकरा है तो इससे एक नया जन्म हो जाता है उसका अगर आप तरमा पढ़ें तो एक शख्स दुनिया से चला जाता है पूरी मूसा के पास जाती है कि अल्लाह से पूछ के बताएं किसने मारा है और उसके बाद परवरदिगार नाम बताने के बजाय गाय का बताते है कुर्बान करें और जब कुर्बानी दे के उसका टुकड़ा उसको बस किया जाता है तो बंदा जिंदा हो के एक सौ पच्चीस साल जिंदा रहता है एक नया जन्म हो जाता है तो ये आपका सितारा जो कि मरीख है मंगल से मनसूब है मंगल को सदका दें और क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान में भी मंगल और बुद्ध को तमाम ज़िबा खाने खोल लिए हैं ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का भी सदका है पाकिस्तान जब से बनाए तो नजरी का शिकार है आजा बुल्क हमारा कट गया नबे हज़ार फौज हमारी आजमाइश में आ गई सियासतदान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और हालात आपके सामने हैं और कर्जों में पाकिस्तान झगड़ा हुआ है क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान दुन्य। पाकिस्तान दुनिया का एक अलग तरीन मुल्क है इस्लामी मुल्क भी है कि अल्लाह की मंशा के बर रक्स यहाँ पर कुरबानी की बंदिश लगी हुई है, है। अल्लाह को कुरबानी पसंद है ये जज्बा फरिश्तों को भी मयसर नहीं और मेरी ही एक और स्टॉलोजिकल तहकीक है कि जब पाकिस्तान में मंगल का बुद्ध को तमाम जबा खाना खोल लिए जाएंगे तो पाकिस्तान के अच्छे हो जाएंगे मुझे याद है कि चंद साल पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब तो मैंने एक हमारी एक सी पी एन ए पी एन एस की एक तरजीम है तो दो तीन सौियों की मौजूदगी में मैंने उन्हें जिक्र किया था तो उन्होंने ये बड़ी मसूबियत से कहा था कि मंगल ने नाल बुद्धा भी नागा है मैंने कहा कि जनाब आप छः दिन नागा बंद कर दें लेकिन मंगल का खोल दें लेकिन नागा होना ही नहीं चाहिए कुरबानी अल्लाह को पसंद है और ये जानवर अल्लाह ने कुरबानी के लिए रखा है और ये जानवर कुरबानी से फलता फूलता है जी सलामकम हमारे साथ कौन बात कर रहे हैं सर बिलाल बात कर रहा हूं जी बिलाल कहाँ से बात कर रहे हैं और ना क्या डेटाबेस है आपका सर 28 सितंबर 28 सितंबर ठीक है जी 1999 1999 टाइम याद है आपको जी जी payday सुबह 8:00 बजे जी बिलाल आपका दाईचा बन गया है हाइट आपकी लंबी है जी ये लंबी है ये तकरीबन फाइव फुट 9 है या 6 है बिल्कुल है 5. आपका तो यार इमरान खान से बड़ा मिलता जुलता है अच्छा बताएं क्या पूछना चाहते हैं जी तो सर इस टाइम काम के समझ नहीं आ रहे काफी से। सर बात यह है की पाकिस्तान के हालात लोगों की समझ से बाहर हुए हैं चंद सालों से अल्लाह करे हमारे मुल्क में कुमीहा आ जाए हमारा आधा मुल्क जब करता रहा बांग्लादेश तो उसकी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने गदागरी ख़त्म कर दी और सारे गदागर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होने के बाद मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उसका जी डी पी पाकिस्तान से बहुत हाई है और कोई वो आई में उसका मखलूज भी नहीं है आपके जाएचे में जो यारहवें घर का मालिक है सितारा अशम्स ये बारहवें घर में बैठा हुआ है अपने हाथ में एक आप याकूत लेके पहने गुजासी कैडेट का और हर बुद्ध ये जो पलंग बाबे हैं उसको उनको सद कर दें या फिर काले रंग की चीजें हैं काले माँझ हैं काला कपड़ा है सिया तेल है और बेहतर यह है कि चाय की पत्ती जो है ये आठ सौ ग्राम या आठ पैकेट लेके बल्कि एक बड़ा अच्छा एक फार्मूला है जो मैं खुद भी कभी किया करता था आप दो लीटर दूध ले लें ले, उसके आठ क्वार्टर में जाते हैं और शाशे चीनी के और उसके बना लें चाय की पत्ती के और अलग अलग शॉपर में आप पलंग बाबों को दें दरबारों में भी बहुत सारे बैठे होते हैं बड़े खुश होते हैं कि बाबा जी चाय दूधपती चाय बना के दें इसमें चांद का भी सदका आ जाता है इसमें जनाब ज़ोरा का भी सदका आ जाता है इसमें जोल का भी सदका आ जाता है तो ये अमल आप हर हफ्ते किया करें आप इसे तोफ़ी को तो जनाब पीर जुमे और हफ्ते को करें वरना कम अम हफ्ते को ये करें या पीर को करें तो इससे भी आपका रिस्क खुल जाएगा और सुबह की नमाज के बाद अब यह ना कहिएगा कि मैं उठ नहीं सकता चूँकि जो, जो लोग नहीं उठते वो ट्रेन निकल जाती है स्टेशन पर आके तो ये सुबह का एक वक्त होता है से दुआ का सुबह की नमाज के बाद दुआ की सौफा युती का रबो का था। तीन सौ तेरह दफा के पर निगार पर पर से सदस्य मोहम्मद दुआ, दुआ करें और ये जो बड़ी रात आ रही है शिवरात की इससे भी आप फैजा हो ये सैदा भी दुआ करता है साथ। आ, कौन है लाइन पे जी अच्छा जी इमरान साहब क्या आपकी डेट है बताइए अच्छा इकबाल साहब बताइए क्या डेट बर्थ है आपकी बोले 8 नवंबर 1944 नवंबर की 8 1944 और टाइम याद है इकबाल साहब आपको अपनी बर्थ का देखो टाइम दोपहर का सुबह का और किस शहर की पैदाइश है आपकी की जी डिस्ट्रिक्ट के के, ठीक है आवाज थोड़ी बड़ी हल्की आ रही है आप थोड़ा ऊंचा बोल रहे तो मुझे अच्छा लगेगा जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी हाइट पांच फुट पांच इंच है जी अच्छा ठीक है चश्मा लगा हुआ आपको चश्मा लगा हुआ है हां का नंबर आपका बहुत ज्यादा है पूछे क्या पूछना आपने बोले दिसंबर मान 2022 से काम में थोड़ी मुश्किल है मेरे काम स्कूल के के पेन किससे रिलेटेड काम है आपका स्कूल से रिलेटेड अच्छा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जी ठीक है मैं आपको बताता हूँ सर एक तो आपके जायचे के छठे घर में जोल आया हुआ है और ये छठे घर पर बैठा हुआ है यहाँ है तो अपने घर का लेकिन यहाँ पे आके उसने रुकावटें डाल दी हर जायचे के छियाठ बारह घर ख़राब होते हैं आप बेहतरी के लिए अपने हाथ में आ, कुरान पाक में जिक्र है सोलह रहमान में यह ख़ूत अलमरजान मोती का आप मोती लेके पहन सकते हैं और एक आप जुमरत लेके के पहने और खाली अगर ज़ुम्रत भी पहने तो उससे भी ये काम चल जाएगा बल्कि ओपल भी साथ लेके पहने ये आपके खाना माल का मालिक है और सदक दें आप सात अनाजा चूँकि आपके दूसरे घर में मुश्तरी शाम्स जोरा राहु और अतारत बैठे हैं जिसने उन्होंने चश्मा भी लगा दिया ये जनाब शाह गदावल है कभी तो आप बड़े अमीर और, और कभी जनाब इस तरह की बातें जो आजकल आप कर रहे हैं वो तो सदका और ख़ैरात देते रहें और ये अभी मैंने एक भाई को एक अमल बताया था सूर दुआ का आपको भी हरिया करता हूँ आप भी इसे सुबह की नमाज़ के बाद तीन सौ तो तेरह दफ़ा अब आखिर जला मरतरुशी पढ़ के पढ़ें और अभी बड़ी रात जनाब आ रही है आप कराची से गां बात कर रहे हैं जिस शहर से बात कर रहे हैं अजीजें मिल जाते हैं ये वक्त के इमाम ज़माना के जोर डाले जाते हैं ये मस्जिदों इमाम बार गाँव से हम मिल जाते हैं नैट पर जाएँ तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं इसे आप ज़रानी ज़रान से या उसमें दरमियान में खाना होता है हाजत लिखें अपना नाम वाल्ला ग लिखें या ज़ाफ़रानी कलम से लिखें आटरे में रात भर इबादत करें आटे के पेड़ में तय करके सुबह जब अजान होती है पंद्रह शबान को तो ये वक्त है जब वक्त के इमाम इमाम ज़ुबाना हजरत अलकाम हसरत मोहम्मद बैजीम दुनिया में तशीफ लाए थे अब वो भौक में खुदा गायब है और उन्हीं की वजह से दुनिया के निज़ाम जल रहे हैं उनकी सलामती के लिए भी दो नवल पढ़ें और दुआ करने के अल्लाह कर ताली उनका जहूर उनके वसीले से दुआ करें जितनी भी आपकी हाजतें दो चार पाँच दस जितने भी अरीजे आप डालना चाहें डालें आजात लिखें ये एक बहुत ही जबरदस्त वक्त आता है साल का जिसे हम नीमा शुमान कहते हैं आप समुंदर के किनारे दरिया के किनारे झील के किनारे रावल डैम इस्लामाबाद जो कि मैं सरतपिंडी में हूँ लाहौर में रावी के किनारे हम देखते हैं कि इतनी रौनक होती है कराची नटी जटी के पुल पर हैदराबाद मैंने वहाँ भी देखा मैंने तो दरिया पे जाएं लोग दरिया पे जाते हैं पानी पे जाकर रात भर इबादत भी करते हैं मसाजत में भी इबादत करते हैं आप अमाल भी करें परवरदिकार से दुआ करें सद का मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के माली आपका इसकी कुछ अदा कर देगा अपने लिए भी दुआ बचने बतने पाकिस्तान की भी दुआ कहने ये बड़ा अच्छा अमल है कि आप दूसरों को दुआ दौा दें दुआएं पलट के वापस आती हैं तो खैर अदा करेगा दुआएं नजर नहीं आती लेकिन जब लगती है तो रंग लगा देती साम है सामे सब कौन है लाइन पे जी मैंने जी आप मुझे मेरी बहन ये बताएं कि बेटी का नाम क्या बेटिया का

और मेरे बड़े चक्कर लगते रहते हैं वजीराबाद में दरिया चला पे आई चला के बिल्कुल पास मैंने दो हजार तेईस में एक करोड़ जिंदा मछली जिंदा पीला में डाली मुझे अच्छा चले अच्छी बात अच्छा मुझे ये बताया की जो बिटिया मुशरा है इसकी हाइट लंबी है पांच फुट छः सात इंच पांच फीट दो इंच हाइट है इसकी अच्छा पांच तो फीट दो इंच है तो फिर ये जो इसका टाइम बर्थ है, है ना जी मेरी बहन दुरुस्त बने तो जवाब देता है इसकी जो बर्थ का टाइम है ये कोई एक बज के पचपन मिनट का टाइम है आप आप ही आ, बता सकती हैं तो याद नहीं ना मतलब मैं ना पता ही कि दो बजे तो पहला पैदा हुई है वो तो करियाशनी है कौन सी सारी अपनों के पेड़ों पंद्रह पता है और मेरी बहन लेकिन ना पता है दादी ने कोई दो बजे तो पहला पैदा हुई थी ते

और बहन गाल है कि बेटी के जायचे से चंद्र मंगला योग लगा है और एक शादी ख़त्म होनी थी अक्सर हमारे जो बहन भाई आ, शादी करते हैं तो मेरी उनसे एक बिलादराना मुखलसाना मशवरा है कि शादी से पहले बच्चों के जायचे ज़रूर बनवाए बाद जायचे में मंगल योग लगा हुआ है तो मंगल योग ये शादी को मुतासर करता है रिश्ते की बात बन बन के रुकती है रिश्ता हो जाए ये ख़त्म हो जाता इसकी है इसकी बिटिया की जायचे में ये बात है क्योंकि चंद्रमा के और ताले से इसका जो योग लगा मंगल योग लगा हुआ है और इसके लिए मैं एक रेमडीज बहन भाइयों को बताता हूँ और मेरी बड़ी ये जबरदस्त किस्म का मेरा जिंदगी का तजर्बा है पचास साल का कुरान पाक में सूर्य फाते के बाद बकरा है इसमें गाय का जिक्र है एक शादी होती है दूल्हे का मर्डर होता है कौम सारी हजरत तो मूसा के पास जाती है कि अल्लाह से पूछे कि नाम इसका क्या है तो अल्लाह नाम नहीं बताता अल्लाह कहते गाय कुर्बान करके उसका टुकड़ा मास्क करें और बंदा जिंदा हो जाएगा और खुद बताएगा मुझे किसने मारा और फिर एक साल जिंदा रहता है तो ये बेटिया का सदका दें मंगल के दिन गाय का क्योंकि शादी में जहाँ लाखों रुपये खर्च होते हैं तो सदका देने में भी, भी कोई मज़ाय नहीं है वो एक गाय कई सैकड़े लोग उसका गोश्त खाते हैं तो इसका सदका दें अपने मुझे देना होगा तो मैं इसका तरीका कार भी आपको बता दूंगा सदका दें सदका देने के साल के अंदर अंदर, अंदर इन शाल इसका नसीब खुल जाएगा और जब भी इसकी शादी करें नेक वक्के निकाह का तयन ज़रूर करवा लें ताकि बंधन मजबूत हो दुनिया है मेरी हमारे साथ लाइन पे कौन से बात कर रही हूं। मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना था बेटे का नाम बताइए आपने तो कल परसों भी कॉल करके पूछा था मुझे याद आ गया अच्छा अच्छा चलो नहीं पूछा क्या जून जून की है

अब आपकी आप उसकी हैं वालदा आपसे तो मेरी कोई बहस नहीं है इसका टाइम ऑफ बर्थ जो है ना जी वो रात दस बजे का नहीं है साढ़े दस बजे का है तकरीबन इसके लगभग ही है है पे जो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी ना जी हमारे रात दिन के चौबीस घंटे हैं इसको जब तक हम टाइम ऑफ बर्थ कुलेक्शन बताए तो ये भी हमें वो सही है अच्छा बहन हम अभी ये टाइम को इग्नोर कर देते हैं चांद को मरकर बनाते हैं आप बताए क्या पूछना चाह रही इसके लिए चलो इसकी शादी के बारे में बता दें आप मुझे अब शादी के बारे में यह है कि इसके आ, अभी इसकी तेईस साल का है और इसकी शादी आ, नौ जून आपने बताई है और इसकी शादी कोई 27 साल के करीब होती हुई दिखाई देती है छब्बीस के बाद जाके इसकी शादी होगी और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो माएँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के वो मुशेरे देख रही होती हैं जवान हो रही होती हैं और फिर जनाब बड़ी खूबसूरती दुल्हन ले कर आती हैं और फिर जनाब फिर सास बहू का वो सिलसिला शुरू हो जाता है बहन मैं आपसे नहीं मैं एक जनरल कॉमन बात कर रहा हूँ मैं देखता हूँ मेरे पास ऐसे मसाइल आते रहते हैं शादी हर दो ख़ानदानों के माबहन होती है तो खूबसूरती अपनी जगह लेकिन ख़ानदानों का भी देखना ये फरमान रसूल भी है शादी के लिए एक अच्छा फैमिली ख़ानदान होना चाहिए आज हाँ हफ्ता है और कल जनाब इतवार होगी और कल इतवार की रात को शब बारत शुरू हो जाएगी खुशकस्मत लोग हैं जो इस रात को पाएंगे इबादत करेंगे इसमें अस्तर अखार का असर से करें जरूर शरीफ का पढ़े इमाम ज़माना की इस्लाम जी के लिए नफल पढ़ के दुआ करें परप्रदार से उनके जल जोर हो जाने के लिए दुआ करें और ये रात भर तेलावते किला पाक में बथर करें रोज़ा रखें उसकी बहुत सारे फ्यूज बरक़ात हैं और इमाम ज़माना के हज़ूर अरीजे लिखे जाते हैं ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे हम नीमा शबान भी कहते हैं लोग इबादत करते हैं और उस अरीजे में आप एक जगह खाली होती है उसमें आप अपनी हाजत लिखें अपना नाम वालना के नाम लिखें और आटे के पेड़ में तय करके आप कहीं भी रहते हैं पानी आपके करीब हो समंदर हो दरिया हो नहर हो झील हो वहाँ पर जाएँ हज़रत खजराम को बाद सलाम करें वो आगे से अल्लाह के नबी जवाब देते हैं इमाम जमाना को सलाम करें और फिर वो ररीजें उनको डालें तो ये बड़ी जल्दी लोगों की आजाद हाल हो जाती है आप एक दो चार पाँच जो भी आजाद हैं डालें मैं ख़ुद भी ये अमल करता हूँ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की जितने भी मसाइल अल्लाह ताला उनको हल जी करेंकम हमारे साथ कौन है लाइन पे जी अस्सलाम जी वालेकुम सलाम सर मेरा नाम अशात है और मुझे अपने बारे में पूछना था अच्छा ये ईशान साहब क्या डाटा बर्थ तो है आपकी सर डाटा बनता है 11th ऑफ जनवरी जनवरी की 11 सन क्या बताइए 2003 2003 टाइम क्या बेटे आपका 7 7 7 7 7 7 किस शहर की पधाई है आपकी सर लाहौर अच्छा ठीक है शायद आपकी हाइट अभी आप 20 साल के हो गए बीस इक्कीस में जब चले गए हाइट आपकी छोटी हाइट है मुझे बताएं साढ़े पांच फुट है जी सर मेरी हाइट छह फुट है यार अब बात यह है कि ये जो टाइम ऑफ बर्थ है ना आपका ये, ये हॉस्पिटल रिकॉर्डेड है यार हॉस्पिटल रिकॉर्डेड टाइम बाजुकात

जी जी सर बता दें थी। बस ठीक तो है, है। देखिए इस वक्त तो है जो आपने बात पूछी है ये प्रोग्राम आस्क वन फ्री क्वेश्चन का है चंद्रमा से आपके ताले का मालिक सितारा जायके के मरीखाय आठवें गला गया मंगल जोक लगा हुआ है ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे वीनस भी आ गया केतु भी आ गया आप अभी मैं आ, लोगों को मसाइल के लिए बता रहा था शादी के लिए लेकिन ये एक मौजाती सदका है आप एक गाय का सदका दें नमाज़ फजर के बाद मंगल के दिन दिया जाता है और ये कोई सत्तर हज़ार के माइनस प्लस ये सदका आ जाता है ये सदक के लिए ये है कि आप बैठेंगे एक चेयर पे गाय आपके के साथ चक्कर लगाएगी कि सोलह बकरा की तिलावत होती है तो अगर आप ये सदका देना चाहें तो मुझे रब्ता कीजिएगा मैं इसका आपको गाइड भी कर दूंगा इहतमाम भी करा दूंगा घर में बाद लोगों के पास गुंजाइश नहीं होती के पास नहीं होती तो मैंने गाइड कर देता हूँ कराची में लाहौर में रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो ये बड़े मोस जाती सदकार हैं जो ऐसे काम करते हैं कि जैसे एक नई जिंदगी नया नया जन्म हो जाएगा इन शाह तब के लिए अल्लाह ताली से दुआ करते हैं कि जनाब आप एक दिन के वकफ़े पे शब बारात आने वाली है खुशकस्मत लोग हैं जो शब बारात पाते हैं अल्लाह तला बहुत सारे बनी का आपके जो बकरियों के बालों के बराबर परवरदिगार दिगार माफ़ करता है ये गुनाहों से बख्फरत की रात है बख्शिश की रात है अपने गुनाह आप माफ़ कराएँ अब मैं खुद भी इंशाल्लाह शबादत करूंगा मैं भी अपने आप को गुनागार ही समझता हूं और इंसान को हर बंदे को अपने आप को गुनागार ही समझना चाहिए बहुत सारी अमन से ख़तें हो जाती हैं परवरदिगार से ख़ा इस करेंपीब इनको का विद करें दुर्शी पढ़ें सदका दें खैरात दें और हमारे जितने गुजशगन दुनिया से जा चुके उनकी मफ़रत के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताल बाल में बरत मकाम अदा करें उनके नाम का भी सदका दें और दो नफर सलामती है इमाम के लिए भी और उनके जल्दत का दिन है और अलीजे भी उनके नाम डाले जाते हैं दुआम है। है अवारे, बात कर रहा हूँ जी नदीम सब क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी आपका जी उन्नीस सौ बानवे टाइम याद है आपको नदीब सर इस शहर की पताइश है आपकी सांगड़ की।, की। आप ये बताएं कि आपकी हाइट है पांच फुट दस हम इसको इग्नोर करके हम चांद को मरकज बनाते हैं चांद बुर जाकर में था बताएं क्या मालूम कर रहा है आपने तो शादी का, और का यार शादी का बड़ा रौला है चेहरा पंजाबी पता नहीं आप समझते नहीं आपके जायके में मंगल योग लगा हुआ है और शादी आपकी ये जो साल चल रहा है दो हजार चौबीस और दो हजार पच्चीस इन शह होती हुई दिखाई देती है गाय का सदका दे तो आपकी शादी बेहतर अच्छी जगह होगी ना सिर्फ शादी बल्कि शादी खानाबादी भी एक बहुत अहम मसला होता है चूंकि मंगल योग वालों की मैंने अक्सर देखा है कि रिश्तों में रुकावट आती है रिश्ते बन बन के रुकते हैं मंगनी और टूट जाती है और अगर अर्ली शादी हो छब्बीस तारीख से पहले तो शादी भी ब्रेक हो जाती है अभी आप इकतीस बत्तीसवें साल में चले कि अला पाक उसमें आसानी अदा करेगा सद सदकर दे पाक ख़्याल अदा करेगा और अल्लाह ताला के इनाम है या बारिश हो इसे सात सौ सात दफ़ा बोल आखिर बरसात रुशी पढ़ के से दुआ करें और अगर सुबह की नमाज के बाद पढ़ें तो क्या ये अच्छी बात है हमारी वो बहने बेटियाँ पाकिस्तान में ये बहुत सारे मसाइल हैं एक तो इमाम जमाना क्या रीजे डालें और ये रिजे बिलातियाजों बहुत मिलत लोग डालते हैं इसमें किसी मज़हब की भी क्याद नहीं क्योंकि कि इमाम सब के इमाम हैं खुदा सब का है रसूल सब के हैं कुरान सब का है तो आप जो वक्त का जो बादशाह होता है ये रूहानी बादशाह हैं और फरमान रसूल है कि मेरे बाद मेरे बारह बेटे होंगे और लोग पूछते थे कि आपके जाने के बाद क्या होगा तो फरमान रसूल है कि मेरे बाद जो बारह बेटे हैं होंगे लोग असाफ़ा अच्छा पूछते थे तो उन्होंने फरमाया था कि मेरे बाद जो बेटे होंगे अबोला मोहम्मद आखिर मोहम्मद उसदुल्ला मोहम्मद उल्ल मोहम्मद ये सारे ही मोहम्मद जैसे होंगे और बारहवें जो इमाम हैं क्योंकि दुनिया भर में लोग किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और वक्त के जो इमाम हैं बारवें इनका पंद्रह शबान इनकी विलादत हुई थी और आप इनकी सलामती के लिए दुआ करें इनके जल्द होने के लिए दुआ करें उनके वसीले से दुआ करें और अपनी तकदीर बदलने के लिए इसरा दुआएँ करें यकीन परप्रदुगार

और टाइम भी जरा बता दीजिए इसका टाइम तकरीबन करीबन दिन क्या क्या बजे किस शहर की बगाई है इसकी नहीं पता कहाँ की पैदल बगाई है पूरा शहर भावलपुर पूर। शहर भावलपुर भावलपुर ठीक है हमारी बहन की जो हाइट है पांच फुट दो इंच है जी तकरीबन पांच फुट एक इंच अच्छा शादी का मसला तो नहीं पूछना आपने इनके लिए शादी का तो शादी का, का तो दौला है है इनके जायचे में मंगल योग लगा हुआ और इनका आप चूंकि शादी पे लाखों रुपए खर्च होते हैं मैंने खुद अपने तीन बेटों की की मैंने जनाब बेपना खुशी होती है खुशी के मौके पर आदमी खर्च करता है और गरीब से गरीब बंदा भी खर्च करता है बिटिया का एक गाय का सदका दें कुरान पाक के मुताबिक या सोरा बकरा के मुताबिक इसका तरीका मुझे आप मालूम कर लीजिएगा ये मैं सदके के लिए आपकी हेल्पी करवा दूंगा ताकि आपका सस्ता अच्छे तरीके से हो तो सके इसका सदकर लें और उसके बाद जब आप शादी की तैयारी करें इन शाला साल के अंदर अंदर इसकी शादी खाना बाली हो जाएगी और वो बहने बेटी हैं जो शादी के मसायल में परेशान हैं उनके लिए एक और मेरा बुजुर्व वजीफ़ा है कि वो सूरह भी है कि आयत लबारसन यदीर के लिए भी पढ़ी जाती है लेकिन शादियों के लिए भी मैंने इसे मौसर पाया सुबह की नमाज़ के बाद या फिर ईशा के बाद जो वक्त आपको आसान लगे क्योंकि अव्वल वक्त सुबह दुआ तो का वक्त होता है इसे तीन सौ तेरह दफा अवल आखिर पढ़ें और परवरदिगार पर से दुआ करें आपका इन नसीब कर जाएगा और बड़ी रात है बरात की इससे भी आप फैसला हमारे साथ कौन है लाइन पे जीकुम शाह मैं बात कर रही हूँ जीना दो हज़ार दो एक सेकेंड पंद्रह जुलाई दो हजार दो जी रात नौ के तीन मिनट रावलपिंडी ये रात कितने बजे बताया आपने मुझे नौ के तीन मिनट ठीक है रावलपिंडी ठीक है आपकी हाइट लंबी है जी पांच फुट छह सात इंच है छह इंच आज पांच जे, पांच छह जहाँ ट्राल आइट खावातेन में कमी पाई जाती चले पूछे क्या पूछना उन्होंने बोले स्टोन पूछने है इसका मेरे बहुत मसला रहता है हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए आपके जनाब आ, दो पत्थर हैं कुरान पाक में जिक्र है सूरह रहमान में याकूत वाल मरजान का अह इसकी जनाब बोल के मैंने मरजान खुद भी पहन रखा है याकूत पहले काम इनका 10 कैरेट का और 9 कैरेट का ये मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम दाम आपको बड़े भी पहन सकती हैं लेकिन कम ना पहले ये याकूत और मरजान लेके अपने हाथ में गोल्ड के लिख में सिल्वर में लेके कर दो नबल शुक्राने के अदा करके दुआ करके पहले और हर मंगल गोश्त या कलेजी फिपरे लेके उस उसमें नमक मिर्च हल्दी सरसों का तेल लगा के खुली जगह रखें जानवरों को सदका भी डाला करें अल्लाह पाक ख्याल करेगा और सूर्य फातिहा से दोस्ती कर लें सूरभ फातिहा जब पढ़ी जाती है हम देखें कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं हम जाके तजियत के लिए फातिहा पढ़ते हैं सूरभ फातिहा आप आम चंद लोग भी बैठे हो तब भी पढ़ सकते हैं सूर्य फातिहा पढ़ने से ये फतह है आसमान के दरवाज़े खिड़कियाँ खुल जाती हैं और सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है दो दफ़ा इसका नज़ूल हुआ इसे सबा मसानी भी कहा जाता है तो सूरभ फातिहा से आप दोस्ती कर लें सत्तर दफ़ा अवल आखिरमसा दोस्ती पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें दम शुदा पानी पिया करें अपने लिए दुआ करिए पाकिस्थानी तय कर देगा और हर्बल चीज़ें यूज़ करें उसमें आप जैतून का तेल भी एक दो चम्मच पिए डॉक्टर से मशवर भी कर लें जैतून जो है के साथ साथ आप अंजीर रात को भिगो के सुबह नार मु खाए और रात को दूध पिया करें उसमे एक चुटकी आप जितनी आपकी आए हल्दी लाले शायद मिला के मौसम आय है तो गर्म दूध भी आप पिया करें अल्लाह पाक खरात करेगा चूंकि आपका निज़ाम अजम खासा मत देता है कमजोरी है बेद और जगह निज़ाम अजम आपका ठीक हो जाएगा अपनी नाप भी चेक कराए बाद खुत को नाप पड़ जाती है और उससे फिर बहुत सारे निसवानी इमारात भी शुरू हो जाते हैं अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को सेहतला अदा करे जान है तो जहान है सेहत एक बड़ी खुदा की अल्लाह पाक सबको सेहत अजा करे <coughs> माफी चाहता तो हूँ काफी रिकॉर्डिंग भी कराई और गले में खराश है और मैंने यहाँ की गोलियाँ भी रखी हुई हैं, इस मामले को मारे साहब कौन है लाइन पे जी हेलो असल जी वाला अपनी बहन के बारे में पूछना जी हमारी बहन का नाम बताइए उसका नाम एच है अच्छा जी उसकी क्या डेट परस है सर फिफ्टीन और फरवरी फरवरी की सोलह पंद्रह पंद्रह और सारी क्या बोले दो हजार दो कितने मुझे पैदा हुई थी बयान हमारी सुबह पाँच छह बजे पैदा हुई थी आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर में ठीक है जब भाई की बहन की जो हाइट है ये पांच फुट दो इंच है ठीक है चले बताए क्या पूछना रहे आपने शादी का पूछना है आ, यार, आ, तो यार बहन की जायचे में लगा हुआ मंगल योग चंद्र मंगल योग लगा हुआ है ऐसे लोगों की शादी जल्दी नहीं होती कम से कम सताईस साल के बाद जाके होती है जल्दी शादी हो जाए तो रिश्तों की बात बन बन के रुकती है शादी हो जाए तो उसके मुतासर होने का अंदेशा होता है तो इसके लिए क्या ही अच्छा है कि आप जब शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं तो इसका एक सदका दें गाय का और ये यह देखिएगा मैंने बिल तफसील बताया कि गाय का सदका अजर कुरान कलान पाक में शोरा बकरा में आ, के मुताबिक ये सदका दिया जाता है मंगल के दिन दिया जाता है अल्लाह पाकिसानी सा करेगा यह सदका दें सदके के बाद हम दो तीन साल के बाद तो कर सकते हैं बहन का नसीब खुल जाएगा अच्छी जगह शादी होगी और बहन से कहेंगे अल्लाह तला के, के, अल्ला के नाम है या बालसो हो इससे सात सौ सात दफ़ा ज्यादा बरसा जोशी बढ़ के पर्दा मामूल बना लें और अल्लाह पाक खैर करेगा आप माँ से भी दुआ कराएं आप भी दुआ करें और कल रात इतवार को शब को शब बत आ रही है दुआओं की रात है मकरस की रात है कबूलियत की रात है इबादत करें ऐसे रात का जो सुब कई गुना बढ़ जाता है रोज़ा रखें तो सत्तर साल के रोज़ों के बराबर इसका सुहाब है ऊँ कलाम इसकी बहुत ज्यादा तो जिलत बयान करते हैं और ख़ुद फरमानें रसूल भी है खुशकस्मत है कि जनाब इसमें परवरदिगार जो जिन रूहों ने आना होता है उनका नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने जाना होता है कुल्लु नफ्सन झायका मौत उनका नाम लेके जाते हैं मलाइका हरकत में आ जाते हैं मौका खुदा इबादत का कई गुनाजुसवाब बढ़ जाता है दुआएं कबूल होती हैं मुस्तजाब होती हैं आप भी दुआ करें बहन के लिए और इमाम जवाना की सलामती के लिए भी दुआ करें कि उनका जल जबूर हो दो नफल आप ज्यादत है जनाम सैद अबीबी फातमत मिज रसूल खुदा पढ़ के उनकी बारगाह भी उसका स्वाब जन तोन पेश करें और फिर बहन से खुद करें वालदा करें आप करें उनके जल्द नसीब खुल जाने के लिए गुआ करें अल्लाह पाक उनका नसीब खोल देगा खैर अदा कर देगा कल की बड़ी रात के लिए जनाब शादी के मसाइल बीमारी के मसाइल, रिस्क के मसाइल, अपनी मफरत अपने गुजरशगान की मफरत अपने बच्चों के लिए जनाब उन्हें सलात बच्चे आजकल बड़े बिगड़े हुए में बेटियाँ बेटे बहुत सारे बहन भाई राबता करते हैं तो सूरफ आते है कि आजते सलात मुस्तकीम ये पढ़ के जनाब तीन सौ तेरह दफा उन पर पानी पर दम कर ले रखें और फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाते रहे कई आबिज हमजा मिल जाए तो क्या ही बात है पानी जस्ट लाइक बहुत प्यारा टेप रिकॉर्ड है तो इसमें आप सूरते पढ़ के टेप करें अल्लाह पाक आसानिया अदा करेगा और जहाँ कहीं भी मेरे बयान भाई मुझे सुन रहे हैं अल्लाह पाक खैर अता कर दे और सबकी सलामती के लिए हम दुआ करते हैं मेरा ये आज आखिरी प्रोग्राम था गुजा चार दिन से और आज पाँचवा दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं जब भी कभी रावल पिंडी इस्लामाबाद आता हूँ वैसे भी मेरा नॉर्मल बिजल्ट इक्कीस से पच्चीस यहाँ पर होता है और उसके बाद मैं लाहौर चला जाता हूँ और इस बार थोड़ा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैं यकम से सात तक कराची रहूँगा कराची और इसके गिरद गिरदे बहन भाई मुझे मिलना चाहें तो कराची मुझे टाइम लेके मिल सकते हैं मेरा जो नंबर इस पर आ रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और हमारा जो नया शुमारा है आईना किस्मत का मार्च का ये मार्केट में आ चुका है इसमें जनाब अपने पाकिस्तान के जितने वजीर अजम हैं अभी तेईस वजी एजम गुजर चुके हैं अभी चौथे चौदहवीं छब्बीस में बने गए वजे अजम पाकिस्तान के अधूरे वजी अजमोलॉजिकल तरीके से रूहानी तरीके से तजिया किया कि पाकिस्तान के जो भी वजे अजम आते हैं अपना ट्रेडिंग पूरा नहीं करते क्या खराबी है जायचे में क्या रेमडीज़ की जाए और जो छः मार्शाला लगे ये क्यों लगे आ, और ये सभी छः के छः के मार्शा मंगल के दिन लगे एक इस पर जुडिशल मारशाला एक जुल्फार अली भट्टू साहब और चार फौजी भाइयों ने लगाए और पाकिस्तान में क्या दोबारा मारशाला लग सकता है पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे ये सब जानने के लिए नायशुमारा पड़े हमारी संजानी जंतरी दो हज़ार चौबीस मार्केट में दस्तियाब है ये भी पढ़ सकते हैं इसकी बाल पी डी एफ फाइल दस्तियाब नहीं लिए नहीं है लेकिन मार्च का रिसाल आप पी डी एफ फाइल मंगवा सकते हैं बार इमामी जंतरी है हमारे इजारे की इसकी भी पी डी एफ फाइल दस्तियाब है और हमारे यंग इस्ट्रॉलोजर ने आ, इनाम लकी नंबर के मतवालों के लिए बुक शाया कर दिए इनाम लकी नंबर आइना कस्मत दो हज़ार चौबीस ये भी मार्केट में आ चुकी है जब है अलबे जगह में और उम्मीद है कि एक दो माह के बाद इसकी पी फाइल भी दस्याब हो जाएगी और इस पर प्राइज बाउंड खरीदने के औकात बड़े अच्छे दिए और इंटरनेशनल लॉटरीज नंबर दिए हैं लकी नंबर के बदवालों के लिए एक बहुत ही एक छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया है अल्लाह पाक सब के रिस्क बाल में इजाफा करें आपकी जो भी हाजात हैं आप दुनिया में कहीं भी मुझे देख रहे हैं सदका है मोहम्मद मोहम्मद के सदक में बरब्रदगार उन्हें पूरा करें कल शब शब बारात है और मैं जो भी बहन भाई है बालम जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं अल्लाह जानता है कि आ, कौन मुझे देख रहा है कौन मुझे सुन रहा है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन शल रात सैद दादा भी दुआ करता है आले नबी उलाधली और सिलसिला सैद मीरा हुसैन शाहजानी पीर भाई गंजबली के वसीले थे हम दुआ करते हैं और हमारे यहाँ का शान जनजानी में हर जुमेरा मकरब के फौरन बाद दुआ होती है उसमें भी आप शिरकत कर सकते हैं जाते जाते गले की खराश बाजरत डेढ़ दुवाओं के साथ आपसे इजाज़ से ज़िंदगी दोबारा किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी खुदाफि पाकिस्तान जिंदाबाद